गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हिंदी लिटरेचर में हमने चैप्टर नंबर 12 इसको पढ़ लिया है और समझ लिया है। इसके साथ ही इस चैप्टर की कुछ एक्सरसाइजेस भी हम कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के आगे की एक्सरसाइजेस करेंगे जो हमारे कौन से सेक्शन में आती हैं, भाषा की बात मतलब लैंग्वेज स्किल। आपको मैंने पहले भी बताया है कि ये वाला जो सेक्शन हमारा होता है वो हमारे हिंदी ग्रामर से रिलेटेड होता है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें क्या करना है। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द चुनकर लिखिए। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनमें से आपको सर्वनाम शब्द चुनने हैं। आपको पता है सर्वनाम क्या होते हैं, हिंदी ग्रामर में आप पढ़ चुके हैं। सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। अगर हम संज्ञा को हटाकर किसी शब्द को लिख सकते हैं तो वो क्या होता है, वो होता है सर्वनाम। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस जो हमारा है वह क्या है, वह दुशाला ओढ़कर आग में बैठ गई। वह दुशाला ओढ़कर आग में बैठ गई। तो हमारे हिसाब से जो इसमें वह है वो क्या है, सर्वनाम। लेकिन हम चेक कर लेते हैं, दुशाला ओढ़कर कौन बैठी थी, होलिका। तो इसका मतलब क्या है, होलिका के स्थान पर यहाँ पर वह शब्द आया है। तो वह जो है वो क्या हो गया, वह हो गया सर्वनाम। सेकंड है, उसने ईश्वर से अनेक वरदान प्राप्त किए थे। कोई था व्यक्ति जिसने ईश्वर से अनेक वरदान प्राप्त किए थे, तो उसने इसमें क्या है, सर्वनाम है। और उसने किसकी जगह आया है, उसने आया है हिरण्यकश्यपु की जगह। तो इसका मतलब हमारा ये आंसर सही है, क्योंकि हिरण्यकश्यपु की जगह हमने क्या लिख दिया, उसने। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं उसने, ये क्या हो गया हमारा सर्वनाम। मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। क्या कह रहे हैं, मैं भगवान विष्णु का भक्त हूँ। कौन था भगवान विष्णु का भक्त, प्रहलाद। तो प्रहलाद की जगह हमने क्या यूज किया है, मैं। तो मैं भी क्या हो गया, मैं भी हो गया सर्वनाम। क्या हो गया, मैं हो गया सर्वनाम। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मैं। नेक्स्ट है, उसका एक पुत्र था प्रहलाद। उसका एक पुत्र था प्रहलाद। अब किसका पुत्र था, ये हमारा क्या है, सर्वनाम। लेकिन चेक करना भी जरूरी है, तो किसका पुत्र था, हिरण्यकश्यपु का। तो हिरण्यकश्यपु की जगह हमने क्या लिख दिया, उसका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, उसका। उसका एक पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद दिन रात उनका स्मरण करता था। प्रहलाद दिन रात किसका स्मरण करता था, भगवान विष्णु का। तो भगवान विष्णु की जगह यहाँ पर क्या आया है, उनका। तो उनका क्या हो गया, उनका हो गया सर्वनाम। तो सर्वनाम कौन कौन से हुए, वह, उसने, मैं, उसका और उनका। ठीक। सेकंड एक्सरसाइज क्या है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब कि अपोजिट वर्ड। जैसे होता है अच्छा बुरा, आना जाना, उसी प्रकार। तो पहले हम शब्दों को पढ़ लेते हैं, बुराई, दिन, राक्षस, वरदान, अंत और शत्रुता। तो बुराई का विलोम शब्द क्या होता है, जैसे बुरे का अच्छा होता है, उसी प्रकार बुराई का क्या होता है, अच्छाई। तो बुराई अच्छाई। दिन, दिन का तो सभी को पता होगा, दिन का होता है रात। राक्षस, अब इसका बताइए, ये तो दोनों इजी थे। राक्षस का क्या होता है, राक्षस का होता है देवता। क्या होता है, देवता। राक्षस, देवता। वरदान, वरदान मतलब किसी को अच्छी बात बोलना कि तुम्हारे संग ऐसा हो। और वरदान का उल्टा होता है अभिशाप। अभिशाप, वरदान अभिशाप। अंत, आरंभ। अंत मतलब लास्ट, खत्म हो गया। और आरंभ मतलब स्टार्टिंग, शुरू हुआ है। तो आरंभ, अंत, आरंभ। और शत्रुता, शत्रुता मतलब क्या होता है, दुश्मनी। और इसका अपोजिट मित्रता। शत्रु, दुश्मन, मित्र, दोस्त। शत्रुता, शत्रु से करते हैं शत्रुता और मित्र से करते हैं मित्रता। तो यहाँ पर क्या आएगा, मित्रता। क्या आएगा, मित्रता। एक बार सबको पढ़ लेते हैं, बुराई अच्छाई, दिन रात, राक्षस देवता, वरदान अभिशाप, अंत आरंभ, शत्रुता मित्रता। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमको क्या करना है, का की के ये तीन शब्द हैं, इनका सही प्रयोग कर रिक्त स्थान भरने हैं, फिल इन दी ब्लैंक्स करने हैं। किन के साथ, या तो का आएगा या फिर की आएगा या फिर के आएगा। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं और हम उसमें का की या के को फिल करते हैं। होली भारत डैश प्रमुख त्योहारों में से एक है। होली जो है वो भारत डैश प्रमुख त्योहारों में से एक है। तो बताइए का आएगा, की आएगा या के आएगा? यहाँ पर आएगा के। होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, क्योंकि बहुत सारे त्योहारों के बारे में बात हो रही है ना, तो क्या आएगा, के। होलिका हिरण्यकश्यपु डैश बहन थी। होलिका हिरण्यकश्यपु की बहन थी। तो लीजिए हमें आंसर भी मिल गया, बोलते बोलते हमें इस वाली एक्सरसाइज के आंसर मिल जाते हैं। हिरण्यकश्यपु प्रहलाद डैश पिता थे। जो हिरण्यकश्यपु थे वो प्रहलाद के कौन थे, पिता थे। तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद के पिता थे, ठीक। होली डैश एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है। होली से एक दिन पूर्व हम क्या करते हैं, होलिका दहन। तो होली के, ना यहाँ पे की आएगा और ना यहाँ पे का आएगा। लगाकर देख लेते हैं, होलिका होली का एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है, अच्छा नहीं लग रहा। होली की एक दिन पूर्व होलिका दहन होता है, ये भी अच्छा नहीं लग रहा। तो सबसे सूटेबल कौन सा है यहाँ पर, के। होलिका डैश दुशाला आंधी में उड़ गई। होलिका की क्या उड़ गई थी, दुशाला। तो लीजिए आंसर भी मिल गया, होलिका की दुशाला। क्या है आंसर, होलिका की दुशाला आंधी में उड़ गई। होलिका बुराई डैश प्रतीक है। होलिका जो है वो क्या है, बुराई का प्रतीक है। क्या है, बुराई का प्रतीक है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी थर्ड एक्सरसाइज जो आपको अपनी नोटबुक्स पर करनी है। अब हम देखते हैं अपनी आज की लास्ट एक्सरसाइज। आप जानते हैं कि कुछ शब्द युग्म जो शब्द जोड़े, आप जानते हैं कि कुछ शब्द जोड़ो, आप जानते हैं कि कुछ शब्द जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। ये शब्द युग्म अर्थात शब्दों का जोड़ा कहलाते हैं। आपको पता है और पहले भी चैप्टर्स में आ चुका है कि कुछ शब्दों को हम जोड़ों में ही इस्तेमाल करते हैं और उनको हम क्या बोलते हैं, शब्द युग्म अर्थात शब्दों का जोड़ा। इनके बीच में योजक चिन्ह आता है। इनके बीच में क्या आता है, जो ये वाला पंक्चुएशन मार्क होता है इसको क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह लगाया जाता है, जैसे अच्छा बुरा। अच्छा बुरा क्या हो गया, शब्द युग्म हो गया, और इसके बीच में लगा दिया योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह। पाठ में आए शब्द युग्म छाट कर लिखिए। अब पाठ में मैंने ढूंढा था, केवल तीन शब्द युग्म दिए गए हैं, पहले हम उनको लिख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात में आपको समझाऊंगी। तो पहला जो शब्द युग्म आया था वो क्या था, अच्छे अच्छे। हमने पहले भी एक चैप्टर में पढ़ा था, जो शब्द युग्म होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, या तो समान अर्थ वाले, मतलब दोनों शब्दों का मतलब एक जैसा होता है, या फिर विलोम शब्द वाले, दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग होता है, या फिर होते हैं कौन से, एक ही शब्द को दो बार यूज करके, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अच्छे अच्छे, या फिर होते हैं तुकान शब्द, मतलब दोनों राइमिंग होते हैं, एक बोलने में एक जैसे लगते हैं। इनके अलावा हम शब्द युग्म नहीं लिखेंगे। तो अच्छे अच्छे, और अगला क्या था, तरह 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 तरह। तो ये हो गए हमारे दो शब्द युग्म, अच्छे अच्छे और तरह तरह। ये दोनों कैसे हैं, एक ही शब्द दो बार रिपीट किए गए हैं, एक और था एक दूसरे, ये है अपोजिट वाले, एक मतलब एक के लिए, दूसरे मतलब दूसरे व्यक्ति के लिए। तो ये तीन मुझे समझ में आए, लेकिन योजक चिन्ह वाले जो और शब्द युग्म आपको मिलेंगे चैप्टर में, वो होगा होलिका दहन, विष्णु भक्त, लेकिन ये शब्द युग्म नहीं है। क्यों, क्योंकि इनमें आपस में वो संबंध नहीं है जो अभी मैंने आपको चार रीजन बताए थे शब्द युग्म बनाने के। तो यहाँ पर जो चौथा है वो हम अपने मन से लिख देते हैं। क्या लिखें, हम लिख देते हैं दिन रात। क्या लिख देते हैं, दिन और रात। तो ये अपोजिट हो गए और ये भी अपोजिट, दो एक से शब्द वाले और दो विलोम शब्द वाले। तो ये चारों एक्सरसाइजेस आपको अपनी फेयर नोटबुक्स पर करनी है। ओके,
दैट्स ऑल फॉर टुडे. गुड बाय.